एक माँ जो अपने पांचवें दशक में है, उन्हें अपनी ही उम्र के इंसान का एक खत मिलता है जिसमें लिखा था, एक ऐसा वक्त था जब मेरे घर में हंसी, मस्ती, बातें, बहस, लड़ाई झगड़े, मतभेद होते रहते थे। घर हमेशा अव्यवस्थित रहता था, कपड़े बिखरे हुए रहते थे, कागज यहां वहां फैले रहते थे, पेंस खो जाती थी। क्या तुम घर को साफ नहीं कर सकते, मैं उन्हें हमेशा डांटती थी। मेरी बड़ी बेटी कभी अपनी मैथ्स की बुक नहीं ढूंढ पाती। मेरा बेटा रोने लगता, मेरे मोजे कहाँ हैं। मेरी छोटी बेटी रोने लगती, मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। मैं परेशान हो जाती और कुड़कुड़ाने लगती, ये बच्चे कब बड़े होंगे। आज वो सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो सभी अलग अलग शहरों, अलग अलग देशों में रह रहे हैं। आज घर शांत है, फुसफुसाहट भी नहीं है, घर बिल्कुल साफ है, हर चीज अपनी जगह पर है, लेकिन घर का वातावरण बिल्कुल एक बंजर रेगिस्तान की तरह है। मैं हर एक बच्चे के रूम में जाकर उस पुराने कीमती वक्त को याद करती हूँ। जब भी बच्चे आते हैं हर कमरे में आनंद होता है, लेकिन उनका आना बस कुछ समय के लिए होता है और जाते जाते उदासी छोड़ जाते हैं, बंद दरवाजे बंद रह जाते हैं, अकेलेपन के आंसू मेरी आंखों से बहने लगते हैं। उन पुराने अच्छे दिनों के लिए मैं तरसती हूँ। क्या तुम्हें तुम्हारे बच्चे भी चुनौती की तरह लगते हैं? क्या तुम्हारा घर भी बिखरा हुआ है? इस पल का आनंद उठाएं, बच्चों को चिल्लाएं नहीं, इससे पहले कि आप समझ सकें कि वो जा चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपके बच्चे अपने साथ कुछ अच्छी यादों को लेकर जाएं। एक औरत घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आप किस तरह की महिला हैं? पवित्र शास्त्र कहता है, नीति वचन 31 उसकी 10वीं आयत में, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है।